नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत सभी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबर जो भारत के हर नागरिक को जाननी बेहद जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको आपके काम की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर बताई जाती है, तो आप अपने काम की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको काम की खबर का नोटिफिकेशन मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं पहली खबर में। गरीब रथ ट्रेनों के बंद होने से नाराज हुए रेल मंत्री, मुसाफिरों को खुश करने के लिए उठाएंगे यह कदम। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई दिनों से गरीब रथ ट्रेनों के बंद होने की खबर सुर्खियों में रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारतीय रेल काठगोदाम जम्मू और काठगोदाम कानपुर सेंट्रल गरीब रथ ट्रेनों के फिलहाल बहाल कर सकता है। रेल शाम तक इस ट्रेनों के फैसले कर सकता है। भारतीय रेल ने इसी सप्ताह काठगोदाम जम्मू कश्मीर रथ और काठगोदाम कानपुर सेंट्रल ट्रेन बंद कर दिया था और इसे एक्सप्रेस ट्रेन बना दिया गया है, लेकिन रेल मंत्री पीयूष गोयल और अन्य अधिकारियों इस मुद्दे पर चिंता कर रही हैं। दरअसल गरीब रथ ट्रेनों का किराया या मेल एक्सप्रेस या फिर एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए से 20 से 30 फीसदी कम होगा और गरीब रथ ट्रेनों के बंद होने से मुसाफिरों को कम पैसे में ऐसी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। आपको बता दें कि काठगोदाम जम्मू कश्मीर से गरीब रथ काठगोदाम से जो AC 3 का जो किराया है 755 रुपये था और एक्सप्रेस ट्रेन के आने के बाद यह 1070 रुपये हो जाएगा, और वहीं काठगोदाम कानपुर सेंट्रल से पूरे रूट के लिए AC 3 का किराया 475 रुपये था और अब 675 रुपये हो जाएगा, जो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि नहीं मिल रही नौकरी, मुद्रा योजना का फायदा उठा करके शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई युवा हैं जो 10वीं तक पढ़े हुए हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, सिर्फ 10वीं पास होने के कारण उन्हें रोजगार मिलने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रोजगार का सबसे उचित माध्यम है। मुद्रा योजना से आप स्वयं का रोजगार उत्पन्न करने के साथ दूसरों को भी रोजगार दे पाएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लगभग 19 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्यमी बना करके रोजगार संपन्न करना है। इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में की गई थी। कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है वह इस योजना के तहत लोन ले सकता है और वह मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि मुद्रा के 3 तरह के लोन मिलते हैं, जिसमें से शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक के कर्ज दिए जाते हैं। किशोर लोन, इस लोन के तहत 50,000 से लेकर के 5,00,000 रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं, और तरुण लोन जो कि 5,00,000 रुपए से 10,00,000 रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं, जो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस बैंक से आपको लोन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। बैंक से साल में एक लिमिट से ज्यादा कैश निकालने पर देना होगा टैक्स, लोकसभा में पास हुआ है बिल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बैंक से ज्यादा कैश विड्रॉ करेंगे तो उस पर आपको 2% का TDA देना होगा और साथ ही इसमें आपको सभी अकाउंट शामिल होंगे। नए नियम के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ पर बैंक अब 2% TDA काटेगा। सरकार ने फाइनेंशियल बिल में संशोधन किया है। अब यह TDA किसी शख्स के सभी बैंक अकाउंट से मिलाकर के साल में 1 करोड़ से ज्यादा के कैश विड्रॉ करने पर यह लागू होगा। अब यह TDS किसी व्यक्ति के सभी बैंक अकाउंट को मिलाकर के साल में 1 करोड़ से ज्यादा के लिए कैश विड्रॉ पर लगेगा। आपको बता दें कि बजट में किए गए इस प्रस्ताव का मकसद कैश ट्रांजेक्शन को कम करना है, इसीलिए सिर्फ एक अकाउंट में साल में 1 करोड़ से ज्यादा के कैश विड्रॉ पर 2% TDS प्रस्ताव पर गलत इस्तेमाल हो सकता था, लिहाजा सरकार ने फाइनेंशियल बिल 2019 में संशोधन करके इसे अकाउंट में मिलाकर के मल्टीपल बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार क्यों यह नियम लागू कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में सफाई देते हुए कहा है कि कुछ कंपनियां बड़े पैमाने पर कैश निकाल रही थी, इसीलिए इस प्रवृत्ति को देखते हुए सरकार ने एक सीमा से अधिक के कैश निकालने पर 2% TDS लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि क्या होता है फाइनेंशियल बिल। जी हाँ दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि क्या होता है TDS और सरकार जो नियम लागू करी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि फीचर फोन में मिलेगा एंड्रॉइड सपोर्ट, फोटो हुई लीक। जी हाँ दोस्तों, जियो फोन में कियोस दिया गया है। जियो फोन के अलावा दूसरे फीचर फोन में भी कियोस है। फीचर फोन के लिए अब तक गूगल का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन अब कियोस को टक्कर देगा एंड्रॉइड। फिलहाल एंड्रॉइड सिर्फ स्मार्टफोन में दिया जाता है, लेकिन पहली बार यह तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक यह पहला एंड्रॉइड बेस्ट फीचर है। आपको बता दें कि 9to5 गूगल के इस रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रॉइड फीचर फोन एंड्रॉइड गो से काफी अलग होगा। आपको बता दें कि एंड्रॉइड गो की कंपनी एंट्री लेवल स्मार्टफोन के लिए बरताया है और आमतौर पर 5,000 रुपए तक के स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉइड गो मिलता है, लेकिन एंड्रॉइड पर चलने वाले इस फीचर फोन में टच स्क्रीन नहीं होता है। यानी अब एंड्रॉइड के लिए फीचर फोन होता है और इसकी कीमत 2 से 3,000 रुपए के बीच होगी।
इस फीचर फोन में यह तस्वीर एक अनजान टिप्स के हवाले से आ रही है, जिसमें से 9 to 5 गूगल दिया जा रहा है और ऐसा दावा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए क्रिकेट के भगवान। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड के साथ ICC हॉल फेम में शामिल किया गया है। 46 साल के सचिन इस प्रतिष्ठित सूची में पाने वाले छठे भारतीय हैं। उससे पहले 2018 में राहुल द्रविड़ को यह सम्मान मिला था। सचिन तेंदुलकर ने लंदन में आयोजित समारोह में कहा है, यह मेरे लिए बहुत सम्मान है। सचिन टेस्ट और वनडे में दोनों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सचिन के 1989 से लेकर के 2018 तक के जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनके रिकॉर्ड, और 2015 में अनिल कुमरे को यह सम्मान मिला था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी तक कितने भारतीयों को यह सम्मान मिला है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है सोना चांदी के बड़े भाव। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए ज्वेलरी खरीदना सोच रहे हैं या फिर आपको चाहते हैं, तो यह आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल सोना और चांदी के भाव बढ़ गए हैं। शुक्रवार को कारोबार के दौरान सोने की कीमत 35,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पार कर गई है और सोने के भाव उच्च स्तर पर अभी तक दर्ज की गई है। आपको बता दें कि वही चांदी के भाव पिछले एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि उसी तरीके से सोना कारोबारियों के मुताबिक सोना की कीमत 35,409 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि 620 करोड़ रुपए के मुकेश अंबानी की हुई दुनिया की सबसे बड़ी खिलौने की कंपनी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी कंपनी हेमलीज, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी की हो गई है, और उन्होंने कंपनी के तिमाही नतीजों में आने वाले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि खिलौना बनाने वाले कंपनी को 620 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है, जिसमें से आपको बता दें कि रिलायंस कंपनी के हेमलीज को 100% स्टॉक टेक ओवर दिया गया है। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर हेमलीज को 18 देशों में 168 स्थान पर मिला है। भारत के रिलायंस हेमलीज की मुख्य फ्रेंचाइज है और भारत के 29 शहरों में 88 स्टॉक का संचालन करती है। हेमलीज ब्रांड और इससे वैश्विक कारोबार के अधिग्रहण में रिलायंस दुनिया में खुदरा कारोबार में एक प्रमुख कंपनी बन गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब आपको मिलेगा आधा गिलास पानी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के नया फॉर्मूला जारी किया है। इस फॉर्मूला के तहत उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं के विधायक और उनके आधा गिलास पानी देने का निर्देश दिया गया है। पीछे मंशा यह है कि पानी बचाए जा सके, क्योंकि मोदी सरकार 2 से पानी के संरक्षण की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने निर्देश करके प्रमुख सचिव दुबे ने ये सवाल के बारे में सचिवालय के आधा गिलास पानी देने का भी निर्देश जारी किया है। अगली खबर में आपको बता दें कि बाल शिक्षा भत्ता 750 रुपए प्रति माह को बढ़ा करके 1125 रुपए किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार के एक ऐसे कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गई है, वे पात्र बच्चों का बाल शिक्षा भत्ता 750 रुपए से प्रति माह से बढ़ा करके 1125 रुपए प्रति माह करने का निर्णय किया गया है। बढ़ा हुआ भत्ता 1 मई 2018 से लागू होगा। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई 2009 में अपने कर्मचारियों को उनके 2 जीवित बच्चों के लिए 500 रुपए प्रति माह के दर से बाल शिक्षा भत्ता देने की योजना शुरू की गई थी, और बाल शिक्षा भत्ते की देरी 1 जनवरी 2014 से 500 रुपए प्रति माह से बढ़ा करके 750 रुपए कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, गौरतलब यह है कि 16 जुलाई 2015 से जारी इस पत्र में यह स्पष्ट है कि बाल शिक्षा भत्ते से संबंध में जारी पूर्ववर्ती निर्देश ऐसे सरकारी कर्मचारियों के संबंध में लागू होंगे और उनकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई हो। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि मल्टी स्टॉक बिल्डरों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने को लेकर के मंथन। जी हाँ दोस्तों, राजधानी में भले ही जगह जगह बहुमंजिल इमारत खड़ी हो गई हो, लेकिन इस बहुमंजिली आवासीय इमारत की सरकारी पेयजल की सप्लाई भी अभी तक व्यवस्था नहीं हुई है। इसी मुद्दे को लेकर के PHED विभाग और निजी कॉलोनाइजरों की एक कार्यशाला आयोजित हुई है। इस कार्यशाला में पानी के ट्रीटमेंट और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में पेयजल कनेक्शन कैसे मिले, इसको लेकर के मंथन हुई है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को लिए भी पेयजल सप्लाई देने को लेकर के गंभीर है, लेकिन इसके लिए संसाधनों की जरूरी है। इसमें कहा गया है कि करोड़ों रुपए नगर निगम और JDS के विकास शुल्क के नाम पर खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन उसके ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में पेयजल नसीब नहीं हो रहा है, और साथ ही ग्रुप हाउसिंग और सिंगल प्लॉट वाले मकान मालिकों के लिए पेयजल कनेक्शन की कीमतों में काफी असमानता देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि कार मालिकों के लिए जरूरी खबर, 1 दिसंबर तक नहीं किया यह काम तो पड़ेगा भारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए जाना बेहद जरूरी है।
है और अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए जाना बेहद जरूरी हो जाता है कि आगामी 1 दिसंबर से पहले आपको फास्टैग लगवाना जरूरी होगा। लेकिन इसके लिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टोल के जरिए फास्टैग नहीं लगवाने पर आपको जरा से भी लापरवाही के चलते आपको 1 दिसंबर के बाद दोगुना टैक्स देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, देश में डिजिटल पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूलने की मकसद से सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 दिसंबर में देश के सभी नेशनल हाईवे पर सभी लेन फास्टैग लेन ही होंगे, जबकि एक लेन के बतौर हाइब्रिड लेन रखा जाएगा। हाइब्रिड लेन ऐसा एकमात्र होगा जिस पर के डिजिटल या कैशलेस पेमेंट पर टैक्स भर सकते हैं। सरकार ने आदेश के मुताबिक अगर आप गाड़ी में फास्टैग नहीं लगवाते हैं तो आप फास्टैग लेन में प्रवेश करते हैं तो आपको दुगना जुर्माना चुकाना पड़ेगा।